हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स अरिथमेटिक ऑफ स्टैंडर्ड क्लास 10। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे एनआईएस ओपन बोर्ड हो, चाहे किसी स्टेट का ही बोर्ड क्यों ना हो, मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही रहता है कि सर, चाहे कोई भी टॉपिक्स हो मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट्स का, कि सर इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस बता दीजिए ताकि एग्जाम में हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आज मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट बोल के कुछ होता नहीं है। इम्पोर्टेंट वो ही है उस टॉपिक्स का, और उस टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो प्रोसेस होता है, जो फॉर्मूला होता है, वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस होता है। क्वेश्चंस बोल के कोई इम्पोर्टेंस होता नहीं है, और ना ही वो क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ना ही एग्जैक्ट वो क्वेश्चन दिया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज माइंड में सेट कर लीजिए कि मैथ्स का कोई भी टॉपिक्स हो, क्वेश्चंस कभी इंपॉर्टेंट होता नहीं है, कि वो क्वेश्चंस बता दिया जाएगा तो वही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप लोगों के लिए एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स का जो भी टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आइडिया होता है, जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, जो फॉर्मूला होता है, वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस होता है। उसको यदि माइंड में सेट कर लिए, डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, मैथ्स का कहीं से भी किसी भी बुक से देने दीजिए या नहीं देने दीजिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस easily in examinations hall। तो dear students, mind में आज दिल खोल के सेट कर लीजिए कि मैथ्स का ना किसी एक्सरसाइज का, नहीं किसी एग्जाम्पल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता नहीं है। इंपॉर्टेंस सिर्फ उस चैप्टर का, उस मैथ्स का जो भी टॉपिक से, उसका जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, जो फॉर्मूला होता है, जो रूल्स होता है, जो आइडिया से बनता है, जिस प्रोसेस से बनता है, वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस होता है। यदि ये चीज आप लोग दिमाग में सेट कर लिए, अपना माइंड में सेट कर लिए, तो किसी भी टॉपिक्स का क्वेश्चंस कहीं से भी देने दीजिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं जो एरिथमेटिक बताने जा रहा हूं, और आप लोगों को जो आइडिया देने जा रहा हूँ, उसको लर्न करने का प्रयास कीजिए और माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। यदि वो सेट कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट, इसका जो प्रोसेस, इसका जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, जो आइडिया है, वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि उसको माइंड में सेट कर लिए तो क्वेश्चन कहीं से भी रहेगा, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन अरिथमेटिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आखिर है क्या चीज? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डियर स्टूडेंट्स, वैसे नंबर सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट। डेट मीन्स जब भी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पूरे सीरीज का, पूरे नंबर सीरीज का, तो देखिएगा उसका जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो सेम आना चाहिए, डेट मीन्स कॉन्स्टेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम लोग एपी बोलते हैं शॉर्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, मान लीजिए 2, 4 है ना, 6, 8, 10 अब तो बढ़ते जाएगा। तो इसका जो कॉमन हम डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का मेन इसका टेक्निक जो है, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। फर्स्ट है ना, सेकंड में फोर्थ है, फर्स्ट में टू है, तो क्या होगा? 4 माइनस 2, 2।
6 minus 4, 2, 8 minus 6, 2, 10 minus 8, 2. तो डियर स्टूडेंट्स यहां से देखिए सबका कॉमन डिफरेंस क्या आया, कांस्टेंट मतलब सेम आया। तो इसी नंबर सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। यदि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, कहीं दूसरा कहीं पे अलग आ गया, तो डेट इज नॉट कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग वैसे नंबर सीरीज को एपी बोलेंगे जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम, डेट मीन्स कॉन्स्टेंट। तो इसको एपी बोलेंगे। और एपी का जो पढ़ना टॉपिक से आप लोगों को जो पढ़ना है वह है एनेट टर्म ऑफ एपी। तो एनेट टर्म्स ऑफ एपी मतलब क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है कि ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी जस्ट पहले हम बोले कि इम्पोर्टेंट होता क्या है, यही आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। इसी को माइंड में सेट करके रखना है कि ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी से चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम में रहे या सिंगल में रहे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो अराइज होगा वो होगा, जो रिक्वायरमेंट्स है इसी को माइंड में सेट करना है। इसको आप लोग टेली कराइए, जो भी आप लोग का फॉर्मूला होगा वही आप लोगों का इम्पोर्टेंस होता है, वही प्रोसेस आपका इम्पोर्टेंस होता है और वही कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका जो रिक्वायरमेंट्स जो निकल के आएगा यहाँ से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जितना भी टर्म्स है उतना टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उतना ही टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और जानने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे ए एन का मतलब फाइंड ए एन, वन टाइप का क्वेश्चन हो गया। यहाँ ए है तो मतलब ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स, मतलब फाइंड ए। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन एन है तो एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। थर्ड टाइप का क्वेश्चन डी है तो फाइंड डी, डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस। ये हो गया फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला में जितना भी टर्म्स है उतना टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, यही आपका रिक्वायरमेंट से, यही आपका इम्पोर्टेंस है। और इसी फॉर्मूला और इसी प्रोसेस से ही आप लोगों का बनेगा। इसलिए आप लोग को माय डियर स्टूडेंट्स अभी तुरंत जस्ट हम बोले कि उस टॉपिक्स का कोई भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेटल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे ही सकता है, नहीं भी दे सकता है, या उसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, अपने से सेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी के थ्रू ही वो फाइंड आउट होगा। इसी प्रोसेस से ही कोई भी क्वेश्चन देने दीजिए, इसी फॉर्मूला से ही आप लोगों को सॉल्व करना है। और कोई भी क्वेश्चन रहे इसी फॉर्मूला के तहत सॉल्व होगा। तो चलिए हम करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको ड्राइव भी करना हम सिखा दे रहे हैं कि यदि मान लीजिए इसको ड्राइव भी करना रहेगा तो कैसे ड्राइव कीजिएगा। तो इस पूरे फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से देखिए कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वेर ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे पुटिंग यदि हम लोग कर देंगे कि एन का वैल्यू आप लोग पुट करते जाइए, वन टू थ्री फोर फाइव अब तो जितना आप लोग सकते हैं। तो मान लीजिए वन पुट करेंगे तो ए वन, तो क्या हो जाएगा ए, और इधर एन में वन बिठाना है इधर जीरो हो जाएगा, तो मतलब इधर जीरो, तो डेट मीन्स ए। टू बैठाएंगे, जब टू बैठाएंगे तो वन, तो ए प्लस डी। थ्री बैठाएंगे, जब थ्री बैठाएंगे तो ए प्लस टू डी। फोर यदि बैठाएंगे तो ए फोर इजकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी। यदि फाइव बैठाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर डी। अब टू बैठाते जाएंगे तो यही आप लोग के पास आएगा, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को बोलते हैं ड्राइव ऑफ एनेट टर्म ऑफ एपी। तो इसी फॉर्मूला को आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है डियर स्टूडेंट्स, यही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और यही प्रोसेस आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन देने दीजिए आपका इसी मेथड से, इसी फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है।
तो मतलब यहां से आप लोगों को देखने से पता चल गया कि n का वैल्यू जो भी बैठाएंगे d में एक घट जाता है। कैसे? मान बैठाएं तो d जीरो हो गया, 2 बैठाएं तो यहां पे मान d आ गया, मतलब a प्लस d, 3 बैठाएं यहां 2d आ गया, मतलब a प्लस 2d, a 4 बैठाएंगे तो मतलब a प्लस 3d, एक घट जा रहा है d में, 5 बैठाएंगे तो 4d, मतलब a प्लस 4d। तो मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप फर्स्ट टर्म्स बोलेंगे तो ओनली फॉर ए होगा, जब सेकंड टर्म्स का लेंगे तो ए प्लस डी आप लोग यूज कीजिएगा, जब थर्ड टर्म्स का, जब वर्ड फॉर्म है, ये सब जबरदस्त यूज होता है, चाहे सम ऑफ एपी में यूज भी होगा वहां भी, और आगे जाके सी का वर्ड प्रॉब्लम में कभी थर्ड टर्म्स का दिया रहता है तो वहां यूज कीजिएगा ए प्लस डी, मतलब ए प्लस टू डी, और सेकेंड टर्म्स का ए प्लस डी, थर्ड टर्म्स का ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म्स के लिए a प्लस 30, फिफ्थ टर्म्स के लिए a प्लस 40, इस वर्ड प्रॉब्लम में जबरदस्त यूज होगा, इस टॉपिक्स में भी आगे जाके सम ऑफ एपी जो पढ़िएगा उसमें भी यूज होगा। जैसे मान लीजिए सिक्स टर्म्स, तो a सिक्स तो क्या हो जाएगा a प्लस 50, मतलब a घट जाता है। जैसे सेवन टर्म, a सेवन तो मतलब a प्लस 60, एट टर्म्स या नाइन टर्म्स कुछ भी लीजिएगा, a घटा देना है, a प्लस 80, मतलब जितना टर्म्स बोला जाएगा d में उतना 1 सिर्फ घटा देना है, a सब में रहेगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम में जबरदस्त यूज होगा, वहां से भी क्वेश्चंस बनता है, पूछा जाता है, और सम ऑफ एपी जब इसके बाद पढ़िएगा तो उसमें भी पूछा जाता है। अब चलिए, जितना टाइप का क्वेश्चन, जितना टर्म्स है उतना टाइप का क्वेश्चंस होगा, तो सबसे पहले छोटा छोटा डिजिट लेके माइंड में सेट कर लीजिए, उसके बाद इसका वर्ड प्रॉब्लम्स में जितना भी क्वेश्चन से वन बाय वन डिफरेंट टाइप का प्रैक्टिस करके माइंड में सेट करने का प्रयास है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। तो मान लीजिए कि डायरेक्ट वैल्यू लेके प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए सभी टर्म्स का, सभी टाइप का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में आई, जितना टर्म्स है, जैसे मान लीजिए सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स जो दिया हुआ रहता है वर्ड प्रॉब्लम में, ये चीज हम फिर बताएंगे। तो सबसे पहले एक एक टर्म्स का क्लियर कर लीजिए कि मान लीजिए इफ फर्स्ट टर्म्स, इस टाइप का लिखा रहता है कि यहाँ पर लिखा रहेगा कि फर्स्ट टर्म मान लीजिए फिफ्थ एंड एन इक्वल टू मान लीजिए थ्री एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू मान लीजिए 2, तो फाइन, तो फाइन a है। तो चलिए, तो आपको पता चल गया कि गिवन में आपके पास जो है पहले लिख लीजिए a इक्वल टू 5, n इक्वल टू 3, d इक्वल टू 2, और आपको बोला है a है, तो यहां से आप लोग फॉर्मूला को पहले लिखिएगा, सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, और a का वैल्यू फिफ्थ और n का वैल्यू 3 माइनस 1 d इक्वल टू 2, तो ये फिफ्थ प्लस 2 इनटू 2 तो मतलब 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। देखिए, तो पहला टाइप का हो गया कि फाइंड an, यदि बोला जाएगा चाहे वर्ड प्रॉब्लम्स रहे या ना रहे, आपको यही फॉर्मूला यूज होगा, और उसी में से आपका सारा वैल्यू आपको उसी चाहे स्टेटमेंट्स में ही में आपका दिया हुआ रहेगा या नहीं दिया रहेगा, तो फिर वहां से फाइंड आउट करके पुट कर देना है इस फॉर्मूला पे। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट टर्म्स दिया हुआ है, n दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला जो है उसको लिख लेना है a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो छोटा छोटा डिजिट लेके पहले माइंड में सेट कर लीजिए डिफरेंट टाइप का टर्म्स का, जब ये माइंड में सेट हो जाएगा तो वर्ड प्रॉब्लम में उसके बाद बनाइए। वर्ड प्रॉब्लम में भी आपका यही सब वैल्यू दिया रहेगा, वहां से एक एक डिजिट को फाइंड आउट करके इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, चाहे वो an पूछा जाए या फर्स्ट टर्म पूछा जाए या नंबर ऑफ टर्म्स या तो कॉमन डिफरेंस, इसी में से ही पूछा जाएगा। हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन। अब इसी को हम लोग चेंज नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन से हम दिखा देंगे कि आपका जो सेकंड टाइप का है a कैसे पूछा जाएगा। तो यहां से a मिसिंग कर दीजिए, इफ an इक्वल टू कितना आया मान लीजिए 9, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, और आपका मान लीजिए n
इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2. तो फाइंड फर्स्ट टर्म ए, है ना, या तो फर्स्ट टर्म से लिख सकते हैं व्हाट से, हाँ है ना, फाइंड फर्स्ट टर्म. तो चलिए, तो सेम टू सेम हम लोग वही फॉर्मूला लिखेंगे कि सिंस ए an is equal to a plus n minus 1 into d, और an का वैल्यू जहां इसी फार्मूला में जिसका जहां वैल्यू है पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा. देखिए n का वैल्यू 3 minus 1 into d 2, तो मतलब क्या हो जाएगा 9 a, और यहां से 2, तो 2 into 2, तो मतलब क्या हो जाएगा 9 is equal to a plus 4, तो therefore a is equal to 9 minus 4, तो 5. तो ये आपका निकल गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपका ए. देखिए तो सबसे पहले इस टर्म्स को जब डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा तो उसको इसी फॉर्मूला को माइंड में सेट कर लीजिए, उसके बाद इसका डिफरेंट टाइप का जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको फिर प्रैक्टिस कर लीजिए. लेकिन निकालना यही चीज है, चाहे वो ए एन पूछा जाएगा, या तो फर्स्ट टर्म्स, या तो नंबर ऑफ टर्म्स, या तो कॉमन डिफरेंस. तो चलिए सेकेंड टाइप का हो गया, फिर थर्ड टाइप में आते हैं. अब थर्ड टाइम में हम लोग को क्या निकालना है, एन. तो चलिए आप एन को मिसिंग करके रख दीजिए, चलिए. अब थर्ड टाइम में जो पूछा जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, इफ एन इक्वल टू 9 फर्स्ट टर्म्स इक्वल टू, फर्स्ट टर्म्स में हम लोग क्या लिए थे 5, यहाँ पे 5 कीजिए, एंड हम लोग को मिसिंग करना है n को, तो मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी लेना होगा, कॉमन डिफरेंस में हम लोग क्या लिए हैं 2 लिए हैं, तो 2 दीजिए, तो देन 5 टर्म्स. तो चलिए आप बिठा दीजिए, तो सिंस an is equal to a plus n minus 1 into d, और an का वैल्यू देखिए 9 है, 9 यहाँ बिठा दीजिए, फर्स्ट टर्म 5 है, 5 यहाँ बिठा दीजिए, n का n का हम लोग का निकालना है, और इसको d के जगह 2 है, हो गया. अब 9 और इधर 5 को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा n minus 1 और into 2, यहाँ पे 4, और इधर n minus 1 into 2, और 2 को फिर इधर ले आइए 4, यह नीचे हो जाएगा n minus 1, तो 2 2 से कट जाएगा 2, तो मतलब 2 is equal to n minus 1 और n is equal to 2 plus 1, देखिए 3. तो हम क्वेश्चंस को इसलिए नहीं चेंज किए डियर स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को आसानी से माइंड में सेट हो जाए कि डिफरेंट टाइप का जब सिंगल सिंगल वैल्यू दिया रहेगा तो उसी क्वेश्चन से कैसे आप लोगों का बन रहा है और वो चीज आ जा रहा है, तो मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि यही प्रोसेस, इस मेथड को नहीं भूलना है और इस फॉर्मूला को नहीं भूलना है. क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट, क्लियर. तो ये थर्ड टाइप का भी आप लोग जान लिए, देख लिए एन. अब कॉमन डिफरेंस फिर इसी क्वेश्चंस को फिर लेके दिखाते हैं, जो आपका फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है वो है कॉमन डिफरेंस. तो इस टाइप से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. सबसे पहले छोटा छोटा डिजिट लीजिए, जब छोटा छोटा डिजिट से इस कॉन्सेप्ट को जब माइंड में पानी जैसा साफ हो गया, पानी जैसा बैठ गया आपके माइंड में, तो क्वेश्चंस में कितना भी बड़ा डिजिट रहे या छोटा डिजिट रहे, इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से, इसी फॉर्मूला से आप लोगों को फाइंड आउट और सॉल्व करना है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसी क्वेश्चन को फिर लेते हैं. इफ an इक्वल टू 9, हम लोग को कॉमन डिफरेंस को मिसिंग करना है, है ना, an इक्वल टू 5 फर्स्ट, है ना, तो यहां पे आपको d फाइंड करना है. तो फर्स्ट टर्म्स आपका व्हाट 5, n is equal to 2, n is equal to 3, यहाँ 3 लिए हैं तो 3 लीजिए. तो आप लोग को अब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस cd निकालना है. तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला लिखिए, सिंस an is equal to a plus n minus 1 into d, और an का वैल्यू आपका 9 है, इधर 9 लिखिए, फर्स्ट टर्म 5 है, इधर 5 लिखिए, n का वैल्यू 3 दिया हुआ है, एंड d आपको निकालना है, हो गया. तो n minus 5, इधर 5 चला गया, इधर 2d हो
इधर 4 और इधर 2d, तो therefore d is equal to 4/2। देखो आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फ्रेंड्स, पहले उसी क्वेश्चंस का जितना भी टर्म्स है बिठाने के लिए माइंड में सेट कर लीजिए। बिठाने के बाद यदि वो रिजल्ट उसी क्वेश्चंस में जो आपको फाइंड आउट करना है मिसिंग वाला, यदि वो आ जाता है तो मतलब आपका डायरेक्शन सही है, आपका माइंड में सेट हो गया। उसके बाद डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन फिर आपके पास जो भी बुक है वहां से निकालिए और इसी फॉर्मूला के अनुसार ही बनेगा, जितना भी क्वेश्चंस रहेगा फिर उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। वहां से जब हो जाएगा तब खुद से भी डिफरेंट टाइप का टर्म्स का डिजिट लेके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आज का क्लास से आपको पता चल गया होगा और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्वेश्चंस चाहे किसी भी बुक का हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उस बुक्स का या उस मैथ्स का जो भी टॉपिक्स होता है उसका जो प्रोसेस होता है, उसका जो मेथड होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर रहता है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो बुक है उसी एक्सरसाइज से या उसी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन सेट किया जाए। दे ही सकता है, नहीं भी दे सकता है, वो तो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, जो भी हो, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है उसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला और प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट आई होप आज का क्लास आप लोगों को लिए अच्छा होगा और अच्छा ही हुआ। यदि मेरा इशारा समझ में आ गया है तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसी का फिर L2 देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप का वर्ड प्रॉब्लम में यानी टर्म ऑफ AP में किस टाइप से पूछा जाता है और इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको देखेंगे। तब तक के लिए